रही है मिस्टर अनिल सर वेंडर ऑफ दी गली बॉय का रोल लेकर रहे हैं पेरेंट्स श्री प्रवीण कुमार जी इंस्पेक्टर जी मैं खुद काउंसलर नीतू गौर मैम एंड टीचर अनुराग सर जो जो हमने इस चीज में जिस चीज को हमने नोटिस किया है वो नोटिस में हम आपके सामने इस समय अभी मैं इसको शाब्दिक रूप में के रूप में आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये विजुलाइज में आप देखोगे कि कैसे एंजाइटी सैडनेस इनडिफरेंट हेजिटेशन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फियर नर्वस एंड स्वेटिंग यू वुड सी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशन वुड ऑल्सो सी इन द फॉर्म ऑफ एक्ट। सो हियर इज द प्ले विच इज गोइंग टू स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट इन अ मोमेंट हेलो बच्चों कैसे हो सबने काम पूरा कर लिया है चलो सभी बारी बारी से काम चेक कराओ मुझे बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा काम पूरा कर रहे हैं क्या हुआ मीना आपका काम कैसा है अरे डर क्यों रहे हो अरे बेटा क्या बात हुई मम्मी ने बेटा पापा ने भाई बहन से लड़ाई हुई तो फिर क्या हुआ किसी ने कुछ कहा बेटा क्या बात हुई बताओ तो सही नहीं बताओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व काम पूरा नहीं है काम पूरा है या नहीं बेटा काम तो पूरा है आपका फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ किसी ने कुछ कहा बेटा क्या बात हुई बताओ तो सही नहीं बताओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व काम पूरा नहीं है काम पूरा है या नहीं बेटा काम तो पूरा है आपका फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ ठीक है आप लोगों मैं अभी किसी को बुलाता हूं आप उनसे अपनी बात शेयर कर लो मैं आता हूं काउंसलर के पास वहीं पड़ोस में मेरे रहते हैं और मैं उनसे कहता हूं कि मेरी एक स्टूडेंट है उसको बहुत ज्यादा घबराहट पैदा हो रही है क्योंकि वो लेडीज है इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता मैं उनको अपने साथ मैम मैम मेरे एक स्टूडेंट है थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है हाँ जी हाँ जी वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा रही है क्लास में अगर आप चल करके उसे एक बार बात कर लेंगे तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी और उस बच्ची की भी सर्जरी हो जाए आप आइएगा मेरे साथ बोलती हो अच्छा तो बताओ क्या अच्छा लगता है अच्छा कौन से लीडर को सुनने अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती हो नाइन्थ में और ये नाइन्थ के बच्चे तो बहुत पढ़े हुए आप तो नेक्स्ट ईयर आप अपना स्ट्रीम चूज करोगे है ना तो बताओ क्या होगा फिर बात अच्छा ट्यूशन करते हो सर कैसा अच्छा नहीं पढ़ाते सर रुक जाते हो अच्छा फिर कोई बात हो आपको क्या क्या बोलते हो नहीं बताओ
अच्छा टच भी करते हैं, सीटी बजाते हैं और क्या बोलते हैं? चीज है। अच्छा आपको बुरा लगता है? आपने कभी अपने बड़े पेरेंट्स को बताया था चाहे क्यों नहीं बताया? आपके पेरेंट्स से बात करती हूँ, ठीक है? आपके पेरेंट्स को बुलाती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। सर इनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। अच्छा मैम, बुला लीजिए, बात कर लीजिए। फोन तो कर दीजिए। आज बेटा आप ही आओ। हेलो, हाँ जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आप मीना के पिताजी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। आप अपनी मदर, मीना की अम्मा और आप दोनों एक बार कोचिंग सेंटर आ जाइए, क्योंकि मीना को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप आएंगे तो बैठ के बात करते हैं, ठीक है? कई सर कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं, नहीं कोई ज्यादा सीरियस नहीं है, आप आ जाइए, ठीक है? सर कर कुछ नहीं सर, ऐसा है ना कि ये रास्ते से जब आती है पैदल आती है, साथ नहीं आता है, जो बात ही कोचिंग में काफी हो रही थी, शायद कई दिनों से रिपीटेडली चल रहा है कि वो लड़के शायद वहाँ आस पास खड़े होते हैं, कुछ शूटिंग करते हैं या कुछ चीज को कमेंट करते हैं बंदे, और ये परेशान हो जाती है, घबरा जाती है, और आज भी पढ़ने में इसका मन नहीं था और बहुत हो ही जा रही है। और तो मेरे को क्यों नहीं बताया ये बात? अभी घर जाएगी आप सब, मेरे को बता दो ना सर। सर सर प्लीज अभी शांत हो जाए, खुद भी डरी हुई है, और अगर आप ऐसे बात करेंगे और ज्यादा डर जाएगी। बताना चाहिए मैंने तो, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? गोली मार दी उसको। मेरी बेटी की इतनी हिम्मत हो गई? क्योंकि देखिए सर वो दो तीन लड़के हुए, आप Don't let go.
बीइंग इंस्पेक्टर होने के नाते जो मैं सामने एक एविडेंस के रूप में आया है तो उसके एवज में कल से मीरा आप जहां से आप घर से निकलते हैं उस रास्ते से लेकर उस रास्ते तक पोलिंग सेंटर तक एक पेट्रोलिंग की गाड़ी उस समय वहां इंस्टॉल होगी। अगर आप जैसे किसी और बच्चे को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है अब भविष्य में मुझे ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली पुलिस सदैव है आपके साथ और आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है सॉल्यूशन के तौर पर ट्यूशन टीचर ने बच्चे की काउंसलिंग की और काउंसलिंग किस प्रकार से की विजुअलाइजेशन में आपने देखा उसके ठीक बाद फीमेल काउंसलर एज पर जैसे ने कहा कि मेल टू मेल और मेल टू फीमेल में कहीं पर भी अगर कानून की बात भी की जाए तो किसी स्त्री को भी अगर उसको भी अगर हैंडलिंग करने तो उसके लिए भी फीमेल कॉन्स्टेबल या फीमेल एक उसका कैरेक्टर होना जरूरी है। देन पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया हालांकि पेरेंट्स थोड़े से अग्रेसिव हो गए मेरे पिता का नाम ही है अग्रेशन कोई कोई पिता इतना ठंडे कितने छाल कितना ठंडा नहीं होता कि वो सुनेगा और अपनी अपनी बेटी के बारे में और कुछ ना करे अगर इनके हाथ में कट्टा होता तो शूट भी कर देते कोई बड़ी बात नहीं। देन उसके बाद ये कानून को बीच में लाया गया कानून ने एक्शन टेकन रिपोर्ट में मेंशन किया कि इस रास्ते से लेकर उस रास्ते तक बकायदा एक पेट्रोलिंग टीम लगाई जाएगी इसके अलावा भी सीसीटीवी भी इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि अगर कहीं पर कानून खुद फिजिकली ना पहुंच पाए तो विजुअलाइजेशन में देखा जा सके कि किसी बच्चे के साथ किसी तरह का सेक्सुअल एब्यूज तो नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो उसको समय से पहले सही किया जाए दुरुस्त किया जाए। धन्यवाद आप सभी।